हाय अल्लाह, हम इतनी अजीब सी जगह पे क्यों आए हैं? तुम इस जंगल में 5-स्टार होटल ढूंढ रही हो क्या? पकड़ो इसे। यादव वो ऑफिसर ने क्या बोला था? जंगल में खूंखार जानवर घूम रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने सारी सड़कें बंद कर रखी। और वैसे ना तो हम फार्म हाउस जा सकते हैं और ना ही वापस घर, क्योंकि स्पेयर व्हील ही नहीं। तो आप मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? इस सब में मेरी क्या गलती है? क्या मेरी वजह से वो खूंखार जानवर पागल हुआ है क्या, जो आप आगे नहीं जा सकते? कितनी बार कहा ना मैंने आपसे कि मैं जानबूझकर आपके साथ नहीं आई, गलती से आ गई थी मैं। सॉरी। मैं अभी पता नहीं कहां का गुस्सा कहां निकाल रहा था। अच्छा, आप इस बात से गुस्सा है कि मैंने आपका टिफिन खा लिया? नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ऐसे मटन की दुकान को मेंटेन करने के लिए मटन तो खाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, भूख लगी होगी आपको। लेकिन आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं ना बड़ी ऐसे एडजस्टिंग टाइप की हूँ, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। कहते हैं मौत जिंदगी में दबे पांव आती है, और तुम झनकार के साथ। कहां हो तुम? झांझरिया? काम ठीक हो रहा है ना? देखो झांझरिया, दायां हाथ काम करे तो बाएं हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए, और खान बेगम, उन्हें तो कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई आ रहा है। तुम जाओ यहां से। आप किसी से बात कर रही थी क्या? मैं वीराने में तन्हाई तन्हाई से बात करती है खान बेगम, और वीराने की बातें महफिलों में रहने वाली खान बेगम नहीं समझेंगी। तुम बताओ क्या बात बोलने आई? मुझे वो निशान वाली लड़की मिल गई। क्या? कहाँ है वो? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? कौन है? आप इतनी उतावली क्यों हो रही है? उतावला तो मुझे होना चाहिए। खान बेगम, मैं दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। तुम्हारी और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो उतावली तो होंगी ना? बताओ ना, कहाँ है वो? यही तो तकलीफ है कि उस लड़की के बारे में पता लगते ही वो लड़की गायब हो गई। कहाँ? पता नहीं, या तो आसमान उसे निगल गया या जमीन उसे खा गई, या फिर कोई पाक ताकत नेक रूह उसे लेकर चली गई। खान बेगम, ये पता लगाने के लिए मुझे उसके इस्तेमाल की हुई कुछ चीजें चाहिए होंगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे अब्बू कहा करते थे कि ऐसे जंगल में किसी की चीखने की आवाजें सुनते ही जो नेक रूहें होती हैं और अच्छी ताकतें होती हैं वो बचाने के लिए आ जाती हैं। जैसे आप आ गए। मैं नेक नहीं हूं मायरा, मेरे जैसा शैतान तुमने कभी देखा नहीं होगा। एक मिनट, मेरी तरफ देखिए जरा। आपकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है। आप सच में डर गए थे ना कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया?
हाय, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपको पता नहीं है मिस्टर आजाद, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरे साथ पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे मैंने एकदम हीरोइन की तरह बचाओ बचाओ चलाया और आप एकदम हीरो की तरह भागते हुए आ गए। अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हैं आप, मेरी तरफ देखिए। कैसे शर्मा रही हूं मैं। थैंक यू। क्यों? मैं जब से आई हूं ना, कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला। इसी बहाने ऐसे मुझे घूमने का मौका तो मिल गया। ये आप शुरू से ऐसे खड़ूस टाइप के हैं या बड़े होके आपको कुछ हो गया? कितना मुश्किल है हमेशा चेहरे पे बस ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन रखना। मेरी तरफ देखिए, कैसे हंसती खेलती रहती हूं मैं। अरे जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और अरे वाह, आपने तो एकदम अच्छे से बेड बना दिया ना। पर मैं कहां सोऊंगी? तुम यहीं सो, मैं अंदर सोऊंगा। क्यों? और अगर बाहर मुझे डर या बाहर मुझे कोई खतरा हुआ तो? डोंट वरी, यहां कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा का मतलब नहीं है मुझे। मैं सायरा आपा बानो आपा के साथ सोती हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। और मुझे अकेले सोने की आदत है। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो इन दोनों को सायरा और बानो समझ। लेकिन आप, अगर आपको अंदर भी सोना तो आप इतनी जल्दी थोड़ी अंदर चले जाएंगे। हाँ दिखाइए, मुझे पहले से ही आप पे शक था कि जो आप दिखते हैं वो नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए बहुत गुस्से वाले बनते हैं ना, और लड़कियों को पटाने के लिए ये सब ट्रिक्स भी आती है आपको। ये ट्रिक थी ना एक लड़की इंप्रेस करने की, केमिकल लगा ना आपके हाथों पे। अरे बोल, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे एक मिनट सुनिए, रुकिए रुकिए, अरे एक मिनट रुक जाइए। मुझे पता ही था अगर मैं चिल्लाऊंगी तो आप आ जाएंगे, इसीलिए मैं चिल्लाई थी। प्लीज देखिए, प्लीज मेरी बात मानिए, थोड़ी देर बाहर रुक जाइए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। सॉरी। अच्छा सॉरी, हाँ मैं जानती हूँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, सीधे से आपको भी बात नहीं समझ आती ना, अब चिल्लाना ही पड़ता ना। अब नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मैं आपको बोल रही थी आप बाहर रुक जाए, आप सुन ही नहीं रहे। अरे एक मिनट, एक, अरे मैं सीरियसली, एक मिनट मेरी बात। आप किसी भी तरह मुझे ये बता सकती हैं कि इस वक्त वो लड़की कहां पर है? मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे हर हाल में उसे मारना होगा। मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। बोलिए, कर सकती हैं? मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो कहाँ है, लेकिन उसकी खुशबू सुनकर मैं तुम्हें माहिरा के पास पहुंचा सकती हूँ।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।